बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू सई टॉक्स। सो आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 10s। अब चूंकि रेडमी नोट 10s यहाँ पर ओवर प्राइस्ड है मेरे भाई, क्यों ओवर प्राइस्ड हो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। दोनों के जो यहाँ पर प्राइसेस रखी गई दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की जो प्राइस है पाकिस्तान में ऑफलाइन मार्केट में वो तकरीबन लगभग 29,999 यानी कि 30,000 रुपए है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की दोस्तों, मीडिया देख लियो G95 प्रोसेसर के साथ, चिपसेट के साथ। जबकि अगर रेडमी नोट 10s की प्राइस के बारे में बात करें पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट में 37,999 यानी कि 38,000 विद मीडिया देख लियो G95 प्रोसेसर के साथ यानी कि G95 चिपसेट के साथ। अब यहाँ पर दोनों में यहाँ पर आपको G95 का चिपसेट मिल जाती है, लेकिन कहीं पर प्राइस आपको 38,000 मिल रही है और कहीं पर आपको प्राइस जो है दोस्तों वो 30,000 मिल रही है। अब रेडमी नोट 10s यहाँ पर ओवर प्राइस क्यों है सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि दोनों की प्राइस यहां पर डिफरेंट क्यों की है दोस्तों। यहां पर जस्ट एक चीज को यहां पर आपको रेडमी नोट 10s में मिल जाएगी, वो है एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों। अब 8,000 आपको मतलब कि एक एमोलेड डिस्प्ले के लिए क्यों देना होगी मेरे भाई, यहां पर आपको मैं एक बात क्लियर करके बता दोस्तों कि यहाँ पर आपको Redmi Note 10s में जो आपको डिस्प्ले मिल रही है 6.43 इंच का आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं आपको इन्फिनिक्स के बारे में बात करूँ तो इन्फिनिक्स Note 10 Pro की अगर बात करें 6.95 इंच की आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले यानी कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब यहाँ पर प्राइसेस को यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखें दोस्तों, चिपसेट यहाँ पर दोनों में सेम है, मीडिया देख लीजिए G95, लेकिन यहाँ पर रैम जो है दोस्तों आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में ज्यादा मिल सकता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट 10s की अगर बात करें, यहाँ पर आपको रैम जो है दोस्तों वो 6128 वाले वेरियंट मिल रही है। लेकिन मेरे भाई, और अगर हम इन्फिनिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको पाकिस्तान में जस्ट एक ही वेरिएंट मिल गया 6128, लेकिन यहाँ पर 8128 वाले वेरिएंट है दोस्तों। अब मुझे पता नहीं दोस्तों कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं दोस्तों, लेकिन जस्ट यहाँ पर हमें जो है वो 8,000 रुपए में एमुलेट पैनल मिल रहा है, वो सिर्फ और यहाँ पर हमें रेडमी नोट 10s। अब कोई बंदा पागल या बेवकूफ होगा कि वो अपने मतलब कि 8,000 एक्स्ट्रा खर्च कर वो एमुलेट डिस्प्ले ही क्यों पसंद करेगा। लेकिन अगर हम इन्फिनिक्स की तरफ देखें यहाँ पर दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको 30,000 में 90Hz का रिफ्रेश रेट विद फुल HD+ डिस्प्ले आपको मिल रहा है एक स्मार्टफोन जो दोस्तों वो भी बहुत कम रेंज में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो कम बजट रेंज में जो आपको ये स्पेक्स मिल रही है तो फिर आप वही स्मार्टफोन परचेज करें, ना कि यहाँ पर अगर एक बार और दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आपको बैक में 64, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल, जबकि रेडमी नोट 10s की अगर बात करें बैक के ऊपर 64 और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल मिल रही है। बैटरी दोनों में सेम है, चार्जर दोनों में सेम है, तो फिर जस्ट यहाँ पर फर्क है दोस्तों, तो रेडमी नोट 10 में आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ एमोलेड पैनल मिल रही है। तो फिर मुझे आप बता दीजिए दोस्तों कि कौन बेवकूफ होगा कि वो आप मतलब कि वो 8,000 सिर्फ और सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले के लिए दे दें, जबकि अगर चिपसेट को देखे, रैम और रोम को देखे, मतलब कि कैमरास को देखे, सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में वो भी ज्यादा मिल जाती है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानते दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 30,000 में रेडमी नोट 10s नहीं रिकमेंड करूंगा, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपके लिए ही रिकमेंड करूंगा। रेडमी नोट 10s यहाँ पर 38,000 में ओवर प्राइस है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, एमुलेट डिस्प्ले बनाया गया है और स्पेक्स सब के सब जो है वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के साथ जो है वो सेम कर दिए गए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। तब तक के लिए हाफिज़ की जाती जाएगा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर पाकिस्तान जिंदाबाद।